Hello dear student, welcome in the class of biology. Today we are discussing about class 12th biology chapter respiration in plant. In preview lecture we are discussing about what is respiration and what is fermentation and how does it work and its type. Now today's class we are discussing about the mechanism of aerobic respiration. Okay. If we talk about the mechanism of aerobic respiration, that means aerobic respiration is a process in which respiration occurs in the presence of oxygen. Okay, in this process oxygen gets involved and respiration will be completed. So generally aaj hum iske mechanism ke bare mein discuss karenge ki kaise four major stage hoti hai sorry respiration ki. ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन और ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम है, क्रेब साइकिल और टर्मिनेशन ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन इन द रेस्पिरेटरी चेन. तो आज के टॉपिक में हम सबसे फर्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे, ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड पायरुविक एसिड. अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो जनरली क्या देखने को मिलता है, इसमें एक साइकिल चलती है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस साइकिल. ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड में स्प्लिट आउट होता है. ये एरोबिक और एनोरोबिक दोनों रेस्पिरेशन में देखने को मिलती है. किसके अंदर देखने को मिलती है? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी. दोनों के अंदर मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है पायरुविक एसिड में टूटता है और इसी को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टू ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. काय के अंदर ब्रेक डाउन होता है? इट ब्रेक डाउन इन टू पायरुविक एसिड. इसको एम्बिडेन, मेयरहॉफ और पर्नास पाथवे के नाम से भी जाना जाता है. क्यों जाना जाता है इस नाम से? क्योंकि इसको एम्बिडेट, मेयरहॉफ, पर्नास नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी. इन्हीं के नाम पे इसको ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में एरोबिक एनारोबिक दोनों तरीके के रेस्पिरेशन जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं. ये पूरी जो मैकेनिज्म की रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है इसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है ना. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का क्या होता है? शुगर स्प्लिटिंग. देखिए शुगर स्प्लिटिंग मतलब वही ग्लूकोज का क्या होना, स्प्लिट आउट होना या ब्रेकडाउन होना. इसमें टोटल 10 स्टेप में साइकिल जो होती है पूरी कंप्लीट होती है. इसकी फर्स्ट डिस्कवरी जो थी वो गेस्टवे, एम्बिडेन, ओट, मेयरहॉफ और जे पर्नास नाम के साइंटिस्ट ने की थी. इन्हीं के नाम पे इसको रेफर किया जाता है ईएमपी पाथवे. ये जो पूरी स्टेज होती है इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया आपको कि कितने स्टेज में कंप्लीट होती है, 10 स्टेप में कंप्लीट होती है. कैसे होती है? सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. किस एंजाइम की हेल्प से? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से. इसमें एटीपी जो होते हैं एडीपी के अंदर कन्वर्ट होते हैं. एटीपी किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? एडीपी के अंदर कन्वर्ट होते हैं. इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है फॉस्फो ग्लाइको आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प में. फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से ही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं. फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate में ही ब्रेक डाउन होते हैं और यहाँ पे फिर से ये एटीपी मॉलिक्यूल और एडीपी को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों स्टेज में आप देखेंगे कि एनर्जी जो होती है एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है और फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनोज एंजाइम की हेल्प से ही फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate या डाइफॉस्फेट में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. ये फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate दो में स्प्लिट आउट होता है, एक होता है डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट, है ना, और दूसरा होता है 3-phosphoglyceraldehyde. डाइहाइड्रो एसिटोन फॉस्फेट जो होता है वो इसी फर्दर किसमें, फॉस्फो ट्रायो आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से
फिर से 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में ही ब्रेक डाउन हो मतलब कन्वर्ट होता है, सॉरी कन्वर्ट होता है ना। और ये क्या बनाते हैं, 1,3-बिस या डाई फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और वाटर मॉलिक्यूल इसके कन्वर्ट होने में हेल्प करते हैं। ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, NADH2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जो होते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल्स, उनका यूटिलाइजेशन या फॉर्मेशन होता है। ये फॉस्फोग्लिसरो ट्रायो फॉस्फो आइसोमर फॉस्फोलेज जो होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ADP में टूटती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। हमने ऊपर क्या देखा कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इस स्टेज में। फिर ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। इसमें इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और 2-फॉस्फो इनॉल पायरविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ADP ATP में कन्वर्ट होते हैं और पायरवेट काइनेज की हेल्प से ये पायरविक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप देखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरविक एसिड, और इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेज होती है वो 10 मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है, सॉरी 10 स्टेप्स के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है और एनर्जी गिविंग होती है। दैट मीन्स इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है मतलब ATP का फॉर्मेशन होता है ना। फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के थ्रू स्प्लिटिंग होती है ना, डिहाइड्रेशन होता है, और इन सब के थ्रू ग्लूकोज पायरविक एसिड के अंदर फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके अंदर टोटल 8 ATP का फॉर्मेशन होता है, पर 2 ATP यहीं पे कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए एंड ऑफ द प्रोडक्ट 6 ATP ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बनते हैं। कितने ATP बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में 6 ATP का फॉर्मेशन होता है ना, और यही ATP यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं या बॉडी की सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने बताया एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशंस के अंदर देखने को मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस एरोबिक सेल के अंदर भी देखने को मिलेगी और एनारोबिक सेल के अंदर भी देखने को मिलेगी। देखिए कहाँ कहाँ ATP यूटिलाइजेशन होता है और कहाँ कहाँ ATP का प्रोडक्शन होता है। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था वहां पे 1 ATP यूटिलाइज हुई थी, राइट। इसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट बना था वहां पे भी 1 ATP क्या हुए थे, यूटिलाइज हुए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, तब 2 ATP बने थे, और जब 2-फॉस्फो इनॉल पायरविक एसिड से पायरविक एसिड बना था तब कितने ATP बने थे, 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। टोटल 4 ATP प्रोड्यूस हुए और 2 ATP क्या हुए, यूटिलाइज हुए, तो टोटल कितने ATP बने इन होल प्रोसेस के अंदर, 6 ATP का फॉर्मेशन हुआ, या 6 ATP जो थे वो कंज्यूम हुए थे पूरे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर। और इस तरीके से क्या होता है, एक पूरी होल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट होती है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में देखने को मिलती है। नेट प्रोडक्टिविटी जो ग्लाइकोलाइसिस की है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, ओके। और इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का एरोबिक एनारोबिक कंडीशन में वो कंप्लीट होता है। सो टूडेज टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे इज नाउ कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल, ओके। हम किसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर क्लास में डिस्कस करेंगे, क्रेब्स साइकिल के बारे में और TCA साइकिल के बारे में। टिल देन स्टूडेंट हैव अ नाइस डे, गुड बाय।